तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत बढ़िया एंड आई होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मानशु पाध्यान, यू गाइस आर वाचिंग एंग्लिप्टर। सो गाइस, सुबह के बजने साथ और न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ हम आ चुके हैं। सो गाइस, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क। बहुत ही अच्छी जगह है कवर करने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप वाइल्ड लाइफ आप पसंद करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही एक नंबर की जगह बनाई गई है कि आप चेकआउट ज़रूर करें उसे अगर आप दिल्ली में हैं तो। मैं आपको जो भी टाइमिंग है, लोकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, कितना फेयर लग रहा है, सब बताऊंगा वीडियो में। अभी थोड़ी मेट्रो की आवाज़ पीछे से आ रही है तो उसे अवॉइड करना, मेरे पे ध्यान देना, ठीक है भाई? तो मेट्रो पे ध्यान ना देखें। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं लेट हो गया था। अभी 7:30 हो चुके हैं, 8 से 12 के बीच वाली जो टिकट है वो मैंने ली है। सो अभी चलते हैं, नहीं तो अभी और लेट हो जाएंगे, ये फिर से आवाज़ सुनने को ना मिले, इसलिए अभी निकलते हैं, ठीक है? और आगे जैसे जो होगा सब बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और हाँ, 1K के लिए थैंक यू सो मच, 1K कराया आप लोगों ने, 0 से 1K हुआ है तो आगे भी बहुत आगे जाएंगे साथ में। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार बनाए रखो। टिल देन गाइस, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो, मिलते हैं आगे, लेट्स बिगिन गाइस। सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क के। अब यहाँ से हमें नीचे से या तो कैब करनी पड़ेगी या तो ई रिक्शा करनी पड़ेगी, वो हमारे ऊपर है। जो भी ऑप्शन बेटर लगेगा मैं वो आपको बता दूंगा, बाकी आप देख लेना वीडियो में। और बाकी चलते हैं आगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लेट हो सकते हैं, इसलिए तो चलते हैं अभी आगे, दिखाता हूँ। गाइज, अभी मैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क पहुंच चुका हूं। अभी अंदर जाते हैं, एंट्री करवाते हैं। टिकट तो मैंने कल बुक करवा ली थी, कल रात को कराई थी। बेसिकली मेरे साथ एक दोस्त भी आया हुआ है, वो भी ब्लॉगिंग ही करता है, तो उसकी भी टिकट बुक कराई थी। तो हमें फेयर पड़ा अराउंड 80 रुपये का एक टिकट पर बंदे के ऊपर, 80 रुपीज़ है। सो हमें 160 का पड़ा टिकट पूरा। और टाइमिंग मैं तुम्हें बता दूँ, टाइमिंग इसकी है सुबह के 8 बजे से लेके 12 बजे तक फर्स्ट टाइम जो है इनका, और सेकेंड टाइम जो है वो 12 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक। तो ये 2 टाइमिंग है। चलो अभी अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है, क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं, क्या क्या सीन होता है, देखते हैं अभी अंदर चीज़ें। और एंजॉय करना वीडियो को अच्छे से, ओके? तो भाई पहले स्टॉप पाए हैं, अभी देखो क्या दिखा हमें। क्या कहते हैं यार इसे, हिंदी में तो भाई हंस कहते हैं, इंग्लिश में मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं। बाकी क्या कहते हो तुम्हें पता ही होगा, मुझे नहीं पता। बाकी जो भी है बढ़िया लग रहा है, आगे चलते रहते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें जो जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं। बाकी जगह तो बहुत ही प्यारी बना रखी है, व्यू देखो तुम लोग, व्यू चेक करो, ये व्यू है भाई, पूरी ग्रीनरी में बना रखा है। और बिल्कुल भी भाई गंदगी नहीं है जगह पे, 1% भी। और बाहर पहले ही लगा रखा है कि गंदगी नहीं हो चाहनी भाई अंदर, कीप इट क्लीन। देखो सामने भी दिखेगा तुम्हें, ये देखा देखा, ये देखा। तो भाई इस बात का ध्यान रखा करो, कहीं भी जाओ तो सफाई रखना अपने हाथ में, बाकी दूसरों की छोड़ो, अपने पर ध्यान देना, ठीक है? और मैं आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको जो जो मुझे देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी बने रहो वीडियो में। भाई अगर सच बताऊं तो यार मैंने भी पहली बार ही देखा इतना बड़ा यार, ये देखना तो भाई फर्स्ट टाइम देखा मैंने, ये देखो भाई 60 से 150 केजी, अरे इतना तो एक ह्यूमन का भी नहीं होता। देख लो भाई ये सारी, और ये है ऑस्ट्रिच हमारा। चलो आगे चलते हैं, बाकी आगे का दिखाते हैं, ठीक है?
सो गाइस मैं आगे बढ़ा अभी तो एक सेक्शन मिला, ये देखो नाम जैसे काम भी वैसे ही, वो देखो वहाँ पे आराम लिया जा रहा है शादी का, ये देख। और तुम सोच रहे हो कि रियल नहीं है, बट भाई रियल है, टाइगर है ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं इसको, क्वालिटी, इसीलिए हम इन्हें देखने आए हैं, इनके अंदर इतनी क्वालिटी है तभी। सो ये तो टाइगर, अभी आगे चलते हैं और आगे दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। सो गाइस मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपको भी फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। सो एक जो पर्सनल रिव्यू है मेरा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ का भी प्रेशर है या किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है या आपका माइंड थोड़ा घूम रहा है, भटक रहा है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए ना तो कोई ऐसी जगह चुनो भाई। ये जो जगह है ना, यहाँ पर इतनी शांति है, इतना अच्छा माहौल है, इतनी ग्रीनरी है ना भाई, सुकून मिलेगा यहाँ पर आके, बस एक बार ट्राई करो। कुछ ज़्यादा टिकट नहीं है भाई, 80 रुपये की तो टिकट है यार, 80 रुपये तो तुम चलते चलते यार रोड पे खाने में बिता देते हो, ठीक है, तो 80 रुपये की टिकट है, बस एक समय को यार आके चेक करो यार, जगह कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे एनिमल्स यहाँ पे रखे हुए हैं भाई, कितना बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे एनिमल्स का, मानोगे नहीं। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अभी और एनिमल्स दिखाऊंगा भाई, बहुत बड़ा कलेक्शन है, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस तुम इस जगह को चेकआउट करो यार, सुकून है इस जगह में, सच बता रहा हूँ, बहुत सुकून है और बहुत ही शांत स्वभाव वाली जगह जो होती है ना वैसी है, और सुंदरता की तो भाई क्या ही बोलूँ, हर जगह भाई ग्रीनरी है, हर जगह जहाँ देखोगे बस वहाँ पेड़ पौधे ही दिखेंगे, तो ऐसी जगह कहाँ ही मिलती है दिल्ली में यार, पर एक जगह है वो ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, चेकआउट करो गाइस। एनिमल्स का कलेक्शन बताता ना, ये देखो भाई जैगुआर, बहुत ही रियल जू होते हैं जिनमें तुम्हें जैगुआर देखने को मिले। अब एक चीज़ देखता हूँ मैं कि है कहाँ पे असल में, ये लो भाई, ये दे रहा अपने दर्शन, ये रहा सामने, करेक्ट मुझे ही देख रहा एकदम, करेक्ट मुझे देख रहा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कैमरे में थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट रुको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये देखो भाई ये देख करेक्ट यहाँ पे, दिखे दर्शन दे दो भाई, हेलो, ऐसे नहीं देगा भाई, जितना बड़ा नाम उतने बड़े दर्शन नहीं देते जल्दी। तो भाई ये थोड़ा अभी आराम कर रहा है, सारे ही आराम कर रहे हैं, टाइगर भी आराम ही करता था, इनका आराम करने का ही काम है मुझे ऐसा लगता है, तो भाई ये सारे भाई आराम कर रहे हैं अपना। अभी चलो आगे चलते हैं, आगे और दिखाता हूँ, क्योंकि इनके तो नाम भी बड़े और दर्शन भी बड़े ही हैं। ये देखो, ये रहा भाई जैगुआर, अगर दिख रहा हो, विजिबल हो रहा हो तो देखो, लेट्स गो। अगर भाई वाटर बॉटल घर से कैरी करते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ से ले लेना, क्योंकि जब इतना घूमोगे तो भाई प्यास तो ज़रूर लगेगी, और उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बीच बीच में वाटर के लिए इन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, तो आप वो भी पी सकते हैं। तो गाइस देखो कितनी सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं, ये देखो ये मैप दे रखा है आपको ज़ू का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, कैंटीन है, पब्लिक कन्वीनियंसेस है, वाटर पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल, फर्स्ट एड, डायरेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस, शेल्टर, भाई क्या नहीं है यहाँ पे यार, देखो क्या नहीं है, एक ज़ू में और क्या ही चाहिए आपको, और इनफैक्ट 80 रुपीज़ खाली MRP है भाई एंट्री की, और क्या चाहिए भाई। सो गाइस मैं अभी आगे आया तो मुझे मिला इंडियन एलिफेंट, और भाई ये रहे देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सामने से देखने में और अच्छा लग रहा है, बस इनकी राइड चाहिए थी वो तो यहाँ मिल नहीं सकती, क्योंकि ये जगह उस चीज़ के लिए नहीं है, बेसिकली राइड के लिए नहीं है, आप बस यहाँ पे एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, अपना रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, आप एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे कैंटीन भी है, ऐसा नहीं है कि खाली जू ही है, कैंटीन भी है, बहुत अच्छी जगह बनाई है यार, ट्राई करो एक बार आके, दिल्ली में रहते हो ना तो एक बार ज़रूर आओ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, आपको बहुत ही सुकून फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो एक बहुत अच्छी जगह है, और फेयर मैंने बार बार बता ही रहा हूँ 80 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, 80 रुपीज़ तो मिनट में खर्च कर देते हैं इंसान, तो फिर 80 रुपीज़ में कुछ नहीं जाता, अगर आपको रिलैक्स करना है, टाइम थोड़ा अपने फैमिली टाइम बिताना है तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। और ये देखो भाई ये खेलने में लगे हैं अपने, बढ़िया लग रहे हैं बहुत, बेसिकली एक ये दिखे मुझे, और बाकी लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, सब के सब सो रहे थे भाई, बस अकेले ये जगह पड़े, और भाई बहुत अच्छा लग रहा है सामने देखने में, एलिफेंट्स इनकी स्पेशलिटी यहाँ पर दी हुई है, इसी के लिए तो आते हैं यार हम देखने, इनकी स्पेशलिटी जो है।
सो ये इनकी स्पेशलिटी है और ये एलिफेंट है भाई। ये खाली वर्ड्स ही नहीं है, रियलिटी है। जितना हो सके ना अपनी तरह से कंट्रीब्यूशन करो, इनकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है यार, एनिमल्स की जितनी हमारी इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए भी और अपने लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस। क्या हाल है भाई, बढ़िया? मार ना दे भाई, इसी बात का डर रहा था मुझे तो, दुखी है। क्या हो गया भाई? भाई मैं तो डर रहा था इनसे कहीं मार मुँह ना दे यार। और कोई डर नहीं है इनसे। और ये देखो भाई, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं लाइन से। ये देखो, अरे मत खाओ उसे भाई, इसीलिए कहते हैं कि चीज़ें मत फेंका करो यार, प्लास्टिक व्लास्टिक की। ये देखो यार, अगर बेचारे खा भी लेंगे तो इन्हें क्या ही पता चल रहा है। ये देखो, ये देखो कितने प्यारे हैं, ये देखो, ये वो छोटे छोटे से, हाँ ये देखो कितने प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से अभी बच्चे हैं। इसीलिए कहते हैं भाई ये बॉटल मत फेंका करो यार कहीं भी। ये देखो, अब उन्हें क्या ही समझ आ रहा है यार, ये बॉटल है तुमने तो फेंक दी, हम बेचारे को क्या समझ आ रहा है। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गए सबके सब। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखो अभी वो छोटे छोटे थे, ये देखो छोटे छोटे थे, बड़े प्यारे हैं भाई। ये देखो कितने क्यूट क्यूट से यार, छोटे छोटे से। और बाकी देखा तुमने, मैंने तुम्हें दिखाया यार, ऐसे बॉटले वोटले फेंकते हो, देख लो उसका क्या नतीजा होता है। बेचारे इनको पता नहीं है, ये तो खाएंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखो करो यार, कहीं पर गंदगी मचाने से पहले सोचा करो एक दो बार। गाइस एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आज संडे है बट फिर भी यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि ये जगह है ही बहुत अच्छी यार। एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी और आप पक्का इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाओगे। एंड सेकंड थिंग कि मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये खाली फ्राइडे ऑफ रहता है और किसी दिन ऑफ नहीं रहता, वीक में खाली फ्राइडे ऑफ रहेगा और हर दिन वीक में ये ओपन रहता है 8 से 12 फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट 12 to 5। इस बात का ध्यान रखना अगर आप प्लान करो यहाँ पर आने की तो। सो गाइस मैं आ गया है, तो एक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिखा जिसका नाम गणेश है, किसी के लड़के का नाम लगता है मुझे ये, बट फिर भी देखो हिंदी में क्या ही नाम है भाई का, बट यार देखो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। ये रहा, हेलो कर दो भाई। इसकी आइस देखो यार, रेड आइस है इसकी, आइस रेड है। ये रहा गणेश, हेलो भाई, सब्सक्राइब करने को बोल दे सबको, करना ना। हाँ देखो मुंडी हिलाई उसने, उसके कहने का मतलब है भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चलते हैं आगे, अभी आगे चल के आया मैं तो मुझे क्या दिखा, क्रोकोडाइल। ये रहा, ये देखो बड़ा हैवी है भाई, बाकी हिलना नहीं चाह रहा भाई, ये भी एक ही जगह पे है। ये देखो गाइस, देखो अभी आ गया है तो ये हिप्पोपोटामस देखो। ये देखो दो दो हैं, एक अभी अंदर है ये वाला और ये बाहर है, इसका फेस दिख रहा है। देखो आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। भाई ये भीड़ देखो एक बार, ये 12 बजे के बाद का हाल रहता है यहाँ का, इतने लोग हैं ना, दूर दूर तक, दूर दूर तक लोगों की भीड़ ही दिखेगी, बस कहीं भी देख लो हर जगह लोग हैं भाई, बहुत भीड़ हो जाती है 12 बजे के बाद, सुबह वाला टाइम बेस्ट है। सो गाइस अभी आधे ज़्यादा जू मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने कवर कर लिया है, बट अभी कौन ही जानता कि मैंने कितना ही कवर किया है, बिकॉज बहुत ही बड़े एरिया में है यार जू। मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, अगर मैं गूगल के हिसाब से तुम्हें बताऊँ इसकी चीज़ें तो ये 176 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा जू जो है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे अराउंड काउंटेबल्स अगर यहाँ से गूगल के हिसाब से देखें तो 1347 एनिमल्स हैं यहाँ पे, जो कि मैं अगर 2-4, 5-6 दिन भी लगा दूँ ना भाई तो एक कवर नहीं हो सकते, इतना कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं, या कोई भी कैसे ढूंढ पाएगा इतना, समझने वाली बात है ना। तो जितने भी थोड़े फेमस थे यहाँ के जो पॉपुलर एनिमल्स थे, जैसे वाइट टाइगर हो गया, लायन हो गया, जितने भी पॉपुलर एनिमल्स थे, जितने भी पॉपुलर नेम्स थे इनके उसमें लिस्ट में, जो हर जगह जू में नहीं मिल सकते, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की, मैंने आपको दिखाया। एंड आई होप कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, लगा ही होगा है ना, लगा है तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक एक कमेंट
अपने फेवरेट एनिमल का नाम बताना चलो कमेंट में, इससे इजी और क्या ही चीज़ होगी, कमेंट करना बस इतना सिंपल सा। और वीडियो में कोई अच्छा पार्ट लगाओ तो वो भी कमेंट कर देना, इट्स अप टू यू गाइस। बट जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहना, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कमेंट कर करके। सो गाइस उससे बहुत खुशी होती है, लगता है कि हाँ हमने कुछ कमाया है। सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो अपना, और अभी बहुत आगे जाना है, फिर से बोलूँगा साथ में बहुत आगे बढ़ना है हमें, तो मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो कि मिल रहा है मुझे, और अच्छे से चाहिए ताकि और अच्छे से ग्रोथ कर सकें हम। सो गाइस आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी मेरी ब्लॉग, ये एरिया ज़रूर एक बार विज़िट करो, फेयर बहुत कम है और लोकेशन दिल्ली की है, जो भी लोकेशन है मैं गूगल लोकेशन पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और एक टाइम विज़िट करना बनता है भाई, रिलैक्स करना ना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, तो यहाँ पे आओ, बहुत ही अच्छी जगह है, इन्जॉय करो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइज लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा पार्ट, और शेयर करके ज़रूर सपोर्ट करना अपने भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गाइज कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी।